हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, ना कि बिना बुद्धि के। ऐसी ही एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। वक्त की कीमत नहीं होती, मेहनत और मेहनत करने वाले की कोई सीमा नहीं होती। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं होती। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान अहमद एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है बुद्धि का काम। चलिए पढ़ते हैं। एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल घास चर रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया और एक बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। गधा समझ गया कि अब प्राण बचाना असंभव है। फिर भी यदि बुद्धि लगाकर जीवन बच जाए तो अच्छा है। यह सोचते ही गधे ने पिछली एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। बाघ ने गधे के पास आते आते पूछा, क्यों भाई गधे, यह तू लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? गधे ने उत्तर दिया, क्या कहूँ सरकार, दौड़ते समय पैर में एक लंबा और बहुत मोटा काटा चुभ गया, उसी से पैर में बहुत पीड़ा हो रही है और मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। यदि आप मुझे खाने का विचार रखते हैं तो वह काटा बाहर निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह काटा मुझे खाते समय आपके गले में अटक जाए, आपको अपने प्राण गंवाने पड़े। बाघ को गधे की बात जच गई, उसने गधे का वह पैर उठाया और बड़े ध्यान से काटा ढूंढना शुरू किया। गधे ने यह मौका बहुत अच्छा समझा, उसने कसकर दुलाटी फटकारी और हवा के समान तेजी से भाग निकला। तो दोस्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी संकट काल में साहस रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।